आज का ये जो लेक्चर है वो आयोनाइजेशन चैम्बर के बारे में, जिसके बारे में हम लोग डिटेल जानकारी ले चुके थे इससे पहले वाले लेक्चर में, गैस फील्ड डिटेक्टर। ठीक है, तो इस गैस फील्ड डिटेक्टर में हमने ये बताया था कि जो पल्स प्रोड्यूस होता है और अप्लाइड वोल्टेज के बीच में, हम लोग यदि ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो अप्लाइड वोल्टेज को जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं तो पल्स का हाइट में किस तरह से चेंजिंग आता है, और वहाँ से हम लोग ये कंपेयर करना सीख गए थे कि दो पार्टिकल के बीच में एनर्जी का कंपेयरिंग कैसे होगा। इतना दूर तक तो हम लोग वहाँ कल जान चुके थे, और वहाँ पर मैंने ये भी बताया था अलग अलग वोल्टेज पर अलग अलग रीजन बनता है। पहला था उसमें क्या, रिकम्बिनेशन रीजन, दूसरा आयोनाइजेशन रीजन, तीसरा प्रोपोर्शनलिटी रीजन, चौथा लिमिटेड प्रोपोर्शनलिटी, पाँचवा था GM रीजन, और छठा था हमारा कंटिन्यूस डिस्चार्ज रीजन। ठीक है, तो हम वहाँ पर जो दूसरा नंबर पर आया था वो क्या था, आयोनाइजेशन रीजन। तो इस रीजन में जो काम करने वाले चैम्बर होता है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन चैम्बर। और इस चैम्बर का क्या काम होता है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है, एम क्या होता है, इसका एम होता है कि जो हायर एनर्जेटिक पार्टिकल है उसको डिटेक्ट करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, उसका मोमेंटम क्या है, एनर्जी क्या है, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसको किस एनर्जी से मूव कर रहा है, कितना स्पीड से मूव कर रही है। एनीथिंग कैन बी डिटेक्टेड बाय द हेल्प ऑफ आयोनाइजेशन चैम्बर। ओके, देन स्टार्ट। मैंने लिखा है इसका एम के बारे में, टाइप ऑफ अ गैस फील्ड डिटेक्टर। गैस फील्ड डिटेक्टर का एक टाइप है विच इज यूज टू डिटेक्ट दोज चार्ज पार्टिकल विच हैव हाई आयोनाइजिंग पावर। आयोनाइजिंग पावर का मतलब है कि हम अभी बताने वाले हैं नीचे। ठीक है, ये दूसरा जो हमारा है प्रिंसिपल वो ही काम करता है। तो आयोनाइजिंग पावर मतलब जिसका हाइयर एनर्जी है उसका आयोनाइजिंग पावर ज़्यादा होगा। तो वही बोल रहा है कि ये ऐसा चैम्बर है जिसमें हाइयर एनर्जेटिक पार्टिकल का डिटेक्शन किया जा सकता है। ठीक है, ये कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो प्रिंसिपल है इसका सिद्धांत है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आयोनाइजेशन। अब आयोनाइजेशन क्या होता है, आयोनाइजेशन होता है जब कभी हम लोग किसी गैस से कोई चार्ज पार्टिकल को पास करवाते हैं तो जो चार्ज पार्टिकल है वो अपना एनर्जी देता है गैस के मॉलिक्यूल्स को, गैस के एटम को। अब गैस के एटम को एनर्जी दे दिया, ये देखिए क्या है, ये मेरे पास है चार्ज पार्टिकल जो पूरा चार्ज है, इसको पास करवा रहे हैं हम कहाँ, गैस के एटम से। तो ये क्या कर रहा है, अपना एनर्जी दे दे रहा है इसके इलेक्ट्रॉन को, मतलब इसको दे दे रहा है। अब जो फ्री होगा वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से इमिट कर जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ से निकल जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन आया मतलब नेगेटिव चार्ज आया, मतलब एक नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो गया। और दूसरा है कि चूंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये एटम क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो यहाँ पर क्या बन गया, कैटायन बन गया। मतलब आयन में फॉर्मेशन जो हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ आयन इज नॉन एज आयोनाइजेशन। ठीक है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आयोनाइजेशन, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल पासेस थ्रू द गैस इट आयोनाइजेस द गैस। मतलब चार्ज पार्टिकल क्या करता है, जब गैस से पास करता है तो गैस के एटम को आयोनाइज कर देता है, उसको दो आयन में तोड़ देता है, इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इसके बाद हम इसका कंस्ट्रक्शन जानने वाले हैं और वही उसकी कंस्ट्रक्शन आयोनाइजेशन चैम्बर की, इसमें क्या क्या है, प्रत्येक इंस्ट्रूमेंट का क्या क्या यूज है, पूरा का पूरा डिटेल में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहा है ये सिलिंड्रिकल टाइप का एक आकृति है, एक डायग्राम है, वो है सिलिंड्रिकल मेटालिक सिलेंडर। मतलब एक मेटल का सिलेंडर है जो अंदर से होल है, मतलब अंदर से होलो है, अंदर से खाली है। इसके बाद क्या है, अंदर से खाली है तो इसमें हम लोग क्या क्या फील कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस फील कर सकते हैं, या तो ड्राई एयर फील कर सकते हैं, ड्राई मतलब सूखा हुआ एयर, हवा। ठीक है, और वो कौन से प्रेशर पर होगा, तो 1 atm 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर पर यहाँ पर हम लोग इसको फील करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक सेंट्रल वायर को इंट्रोड्यूस करते हैं, जो सेंट्रल वायर बोलते हैं ये, इसको हम लोग इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं। मैक्सिमम चांस, मैक्सिमम में क्या होता है, ये बनी हुई होती है टंगस्टन का। ठीक है, कौन से मेटल का, टंगस्टन मेटल का, क्योंकि टंगस्टन मेटल का क्या होता है, रेजिस्टेंस पावर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, टंगस्टन मेटल का बना हुआ है ये सेंट्रल वायर है। इस सेंट्रल वायर को मैंने क्या किया है, यहाँ पर देखिए सेंट्रल वायर और इसका सरफेस, इस सिलेंडर का सरफेस और सेंट्रल वायर दोनों का कनेक्शन डायरेक्टली नहीं होना चाहिए, दोनों का कॉन्टैक्ट डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक इंसुलेटिंग प्लग को इंट्रोड्यूस किया है जो दोनों के बीच में क्या करती है, डायरेक्ट कनेक्शन को रोकती है। ठीक है, इसके बाद इस यहाँ पर क्या किया है,
ये देख रहे हैं, ये जो सरफेस है सिलेंडर का, उसको मैंने ऐड किया है नेगेटिव पोटेंशियल बैटरी से, नेगेटिव पोटेंशियल बैटरी से ऐड कर दिया। इसके बाद यहाँ पर इसको नेगेटिव पोटेंशियल से ऐड कर दिया, पॉजिटिव को यहाँ पर छोड़ दिए हैं। ठीक है, ये जो वायर है मेरे पास सेंट्रल वायर, उसको मैंने क्या किया है, इसको रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हुए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं या तो लोड रेजिस्टेंस बोल सकते हैं इसको, इसको कनेक्ट करते हुए हम लोगों ने इसको पॉजिटिव पोटेंशियल और बैटरी से कनेक्ट किया है। ठीक है, अब आगे क्या है कि ये यहाँ से मैंने कनेक्ट किया है एम्पलीफायर को। ये क्या करता है, यहाँ पर आने वाले करंट को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, यहाँ पर जो पल्स आता है उसके एनर्जी को इंक्रीज करता है। इसके बाद ये काउंट, यहाँ पर जाते हैं काउंटर में, जहाँ पर पल्स का प्रत्येक प्रत्येक पॉइंट को काउंट किया जाता है। ठीक है, ये था इसका कंस्ट्रक्शन, जो कि डिस्क्रिप्शन में नोट्स दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब है इसका वर्किंग पार्ट टाइम। में क्या होता है कि जब हायर एनर्जेटिक पार्टिकल आए, तो कोई भी हम बोलते हैं पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल को क्या करते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं। यहाँ से क्या हो रही है, चार्ज पार्टिकल आ रही है। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल जब इस हॉलो सिलेंडर के अंदर आती है, तो होता क्या है कि अंदर में जो गैस है वो गैसियस एटम को आयोनाइज कर देता है। आयोनाइजेशन क्या है, मैंने अभी जस्ट बताया कि गैसियस एटम को क्या करती है, ये चार्ज पार्टिकल गैसियस एटम को अपना एनर्जी ट्रांसफ़र कर देती है। और एनर्जी ट्रांसफ़र होने के कारण क्या होता है, उसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी लेकर के, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होती है वो एनर्जी लेकर के निकल जाती है बाहर। और बाहर निकल जाने से वहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया बाहर, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और जो जिस एटम से यहाँ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकले हैं, जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो क्या हो गया, वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो वो जो है सो क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों यहाँ पर प्रोड्यूस हो गया। अब क्या करते हैं, अब यदि हम यहाँ पर वोल्टेज जो है मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम लोग नहीं देते हैं या तो यहाँ जीरो कर देते हैं, तो होता क्या है, ये दोनों जो डिफरेंस हुआ है कोलिजन के कारण या तो चार्ज पार्टिकल के कारण, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल लिखना चाहिए। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल के कारण ये जो दोनों अलग हुआ है वो क्या हो जाता है, रिकम्बाइन हो जाता है फिर से और एक एटम बना लेता है। मतलब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस वो देना बहुत जरूरी है। जब भी हम यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, तो क्या होता है, यहाँ और यहाँ के बीच में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चूंकि मैंने क्या किया है, इस सरफेस को कनेक्ट किया नेगेटिव से, तो ये क्या बिहेव करेगा, कैथोड के जैसा, और इस वायर को मैंने कनेक्ट किया है किससे, पॉजिटिव सेल से, तो ये बिहेव करेगा एनोड के जैसा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ जो पॉजिटिव सेल्स है, जो है पॉजिटिव चार्ज है वो कम मोशन में आएगा। तो जब मैंने यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस को थोड़ा बढ़ाऊंगा, पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा बढ़ गया, तो क्या होगा, ये चार्ज हो जाएगा क्या, मोशन में आएगा। उससे पहले क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने के कारण से यहाँ कैथोड और एनोड के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड यदि क्यू रहे, तो जो फोर्स निकलता है वो क्या होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि नहीं, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चार्ज यदि नेगेटिव है तो नेगेटिव, और चार्ज यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, मतलब ये दोनों चार्ज जो है एक तरह से फोर्स एक्सपीरियंस करने लगेगा, फोर्स इस पर एक्ट करने लगेगा। और ये फोर्स क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज है तो ये कैथोड की तरफ, एक नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर आने लगेगा एनोड की तरफ, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये डिपॉजिट होने लगेगा कैथोड की तरफ। ठीक है, मतलब जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं सब क्या होंगे, यहाँ कैथोड की तरफ जाने लगेंगे, और जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं वो क्या होंगे, यहाँ पर एनोड की तरफ आने लगेंगे। ठीक है, यहाँ पर एनोड है, ये वाला एनोड ही है। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ पर चार्ज का मूवमेंट स्टार्ट हो गया, चार्ज का मोशन स्टार्ट हो गया, और चार्ज का मोशन होने से क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। तो एक्चुअल हुआ क्या हमारा, कि इस सर्किट के थ्रू करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया। अब इस सर्किट के थ्रू जो कि करंट फ्लो करना हो गया, इसका मतलब इस एक्सटर्नल लोड के अक्रॉस करंट प्रोड्यूस हो रहा है। इस करंट को क्या होता है, यहाँ पर एम्पलीफायर की तरफ जाता है, और चूंकि करंट प्रोड्यूस हो गया, हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ से क्या जानते हैं, V = IR। करंट प्रोड्यूस हुआ, यहाँ क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब ये वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हमको आउटपुट में नजर आएगा एज ए पल्स, कैसे नजर आएगा, एज ए पल्स। और वो पल्स में चूंकि देखेंगे उसका एनर्जी कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो उस पल्स को हम लोग भेजेंगे एम्पलीफायर में। एम्पलीफायर क्या करेगा, उसका एनर्जी को बढ़ा देगा, बात समझ में आनी चाहिए, उसका एनर्जी को बढ़ा देगा।
ठीक है, इसके कारण से वो मूवेबल बन सकता है, चलने के लायक हो सकता है, और वो एम्पलीफायर क्या करेगा, एनर्जी को बढ़ाने के बाद काउंटर में भेज देगा पल्स को, और पल्स जब काउंटर में चला गया है ना, काउंटर में चला गया तो ये पूरा का पूरा डिटेल जानकारी हमको दे देगा। ठीक है, बात समझ में आना चाहिए, मैंने कहाँ पर किया है, पूरा जीरो से पढ़ाया है, जीरो से आपको बताया है। जब भी इस पर क्या करते हैं, चार्ज पार्टिकल को इंसुलेट कराते हैं, क्या करते हैं इसको यहाँ पर भेजते हैं, क्या होता है यहाँ पर आयोनाइज हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो जाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग बढ़ाते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स एक्सपीरियंस होता है, और वो फोर्स क्या करती है, इसको रिस्पेक्टिव डायरेक्शन में फ्लो करने का ऑर्डर देती है। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज जाने लगती है कैथोड की तरफ, ये कैथोड है पूरा, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज जाने लगती है एनोड की तरफ। अब फ्लो हो रही है करंट, इसका मतलब इस सर्किट में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, इस लोड रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रहा है, और उस क्लासेज यदि करंट फ्लो लगा तो वोल्टेज ड्रॉप होता है, और वोल्टेज ड्रॉप होता है तो वही वोल्टेज ड्रॉप हमको आउटपुट में नजर आएगा एज ए पल्स, और उस पल्स को डिटेक्ट करने का काम करेंगे, उस पल्स को क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा एम्पलीफायर, और एम्पलीफायर होने के बाद इसको क्या करेगा, यहाँ पर काउंटर में भेज देगा, और काउंटर में चूंकि चला गया ये पूरी की पूरी डिटेल जानकारी आपको दे देगा। कौन देगा नाम जानकारी, काउंटर। अब इसमें होता क्या है कि हायर एनर्जी पार्टिकल को ही क्यों ये कर पाता है ये हम बताएंगे थोड़ा देर बाद। हाँ, हायर एनर्जी पार्टिकल को ही ऐसा क्यों कर पाता है ये हम थोड़ा देर बाद बताएंगे। ठीक है, तो अभी हमारा क्या होगा, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पूरा डिटेल में समझ में आ गया, तो अब हम चलते हैं इसका क्या क्या यूज है, या तो इसका एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या। जी हाँ दोस्तों, तो ये रहा हमारा जो हम बोल रहे हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को लिमिटेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, एक्चुअली फर्स्ट एडवांटेजेस का ये है कि इट डिटेक्ट्स द पार्टिकल विच हैव हाई एनर्जेटिक, मतलब कितनों भी ज़्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल्स हो उसको डिटेक्ट करने का काम कौन करते हैं, ये आयोनाइजेशन चैम्बर। आयोनाइजेशन चैम्बर का सबसे पहला लाभ है, तो सबसे पहला फ़ायदा क्या है, इसका यूज करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हायर एनर्जेटिक पार्टिकल को भी क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, जैसे अल्फा पार्टिकल बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है बीटा और गामा से ज़्यादा, बीटा और गामा जो है सो लो एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं। इसके बाद क्या है, इट कैन डिटेक्ट न्यूट्रल पार्टिकल। दूसरा जो है सरप्राइजिंग है, जो पार्टिकल न्यूट्रल है, जैसे न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो चार्ज है लेकिन न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन में चार्ज है ही नहीं, तो उसको भी डिटेक्ट करने का काम कौन कर सकता है, ये आयोनाइजेशन चैम्बर। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, वो जो हमने मेटालिक सिलेंडर रखा था उसके अंदर में क्या भरा था, हाइड्रोजन गैस या तो ड्राई एयर, लेकिन उसके जगह पर यदि हाइड्रोजन गैस और ड्राई एयर ना भर करके हम लोग क्या भरें, बोरोन ट्राई फ्लोराइड यदि भर दें, BF3 बोरोन ट्राई फ्लोराइड यदि भर दें, तो क्या करेगा, ये कोई भी न्यूट्रल पार्टिकल को भी डिटेक्ट करने का काम कर सकता है। ठीक है, ये आयोनाइजेशन चैम्बर का फायदा। ठीक है, नुकसान इसका क्या है, इट कान डिटेक्ट लो एनर्जेटिक पार्टिकल्स, ये क्या है कि लो एनर्जेटिक पार्टिकल्स को डिटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, देयर इज अ स्मॉल टाइम इंटरवल, यदि डिटेक्ट कर रहा है तो दो पार्टिकल के डिटेक्ट करने के बीच में थोड़ा सा टाइम का गैप होना चाहिए, यही है हमारा आयोनाइजेशन चैम्बर का हाल। लेकिन मैंने एक क्वेश्चन का जवाब अभी तक नहीं दिया, समझिए दो क्वेश्चन, कि ये जो है सो हायर एनर्जी को ही क्यों डिटेक्ट कर पाता है, और दूसरा गैस फील्ड डिटेक्टर से ये थोड़ा सा अंतर क्यों है। दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। तो हम बता रहे हैं सबसे पहले कि जो मैंने बताया था वहाँ पर ग्राफ लिया था है ना, गैस फील्ड डिटेक्टर में वहाँ पर मैंने 6 चैम्बर बनाए थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसमें जो दूसरा नंबर था वही था आयोनाइजेशन चैम्बर। ठीक है, तो वहाँ होता क्या है कि पोटेंशियल ड्रॉप हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप को क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम हमें नहीं हो रही, लेकिन ये एक ऐसा चैम्बर है, एक ऐसा रीजन है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस इतना हो कम से कम इतना हो कि ये जो यहाँ पर जो लाइन दी है इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस कम से कम इतना हो कि जो दोनों चार्ज मेरे पास प्रोड्यूस हुआ है वो रिकम्बाइन ना कर सके। ठीक है, क्या कर सके, रिकम्बाइन ना कर सके। ठीक है, हमने बताया था चार्ज प्रोड्यूस होता है एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा पॉजिटिवली चार्ज, जिसको हमने कैटायन और एनायन के नाम से जानते हैं,
तो दोनों चार्ज जो है सो उसको कम से कम इतना वोल्टेज हम लोग दे दें ताकि ये दोनों जो है रिकम्बाइन ना कर सके, दोनों आपस में दूर चला जाए, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, यदि और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं तो इस लाइन का मतलब है कि ये जो लाइन है वो एक बॉर्डर है क्या। इसके बाद जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या करने लगते हैं, आयन का सेकेंडरी आयनाइजेशन करने लगाते हैं। सेकेंडरी आयनाइजेशन क्या है ये पिछले वाले वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं, वहाँ बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सेकेंडरी आयनाइजेशन का मतलब है इस आयन का फिर से आयोनाइज कर देना। तो इस चैम्बर में क्या होता है, सेकेंडरी आयोनाइजेशन होने लगता है, ठीक है। तो ये जो चैम्बर है मेरे पास यहाँ से यहाँ तक का, इस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कम से कम इतना है कि दोनों रिकम्बाइन ना कर सके, और अधिक से अधिक इतना है कि दोनों जो है सो सेकेंडरी आयोनाइज फिर से ना हो सका, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग, यही कारण है कि यहाँ पर क्या है, वोल्टेज एक मीडियम है, वोल्टेज बहुत ज़्यादा नहीं, वोल्टेज बहुत मीडियम है, नहीं ज़्यादा है नहीं कम है। इसी के कारण से जो हायर एनर्जी का पार्टिकल्स होता है वो यहाँ पर डिटेक्ट हो जाते हैं। आगे क्यों नहीं होगा, आगे क्यों नहीं होगा, क्योंकि आगे जो है आयन वो फिर से आयोनाइज होने लगते हैं, इसके कारण करंट का स्पीड बढ़ जाता है और वहाँ पर हम लोग कुछ नहीं पाते। इस रीजन में क्या होता है, हम लोग कॉन्स्टेंट करंट ग्राफ पाते हैं, इस टाइप से कॉन्स्टेंट करंट ग्राफ। इधर क्या है, इधर पल्स है, समझिए पल्स हाइट है, और इधर क्या है, वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सेचुरेशन रीजन इसको बोलते हैं, या तो कॉन्स्टेंट करंट बोलते हैं, या तो आयोनाइजेशन रीजन बोलते हैं। बात समझ में आना चाहिए, इस वोल्टेज इस रीजन में कम से कम इतना वोल्टेज है, इस रीजन में कम से कम इतना वोल्टेज है कि ये ना ही रिकम्बाइन होने से सकता है और ना ही सेकेंडरी आयोनाइजेशन के लिए ऑर्डर दे सकता है। यही कारण है कि यहाँ पर कोई हायर एनर्जेटिक पार्टिकल को भी डिटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि यदि हम लोग गैस फील्ड डिटेक्टर जो होता है वो गैस फील्ड डिटेक्टर इससे थोड़ा सा डिफरेंस क्यों है, तो मैं बता दूँ गैस फील्ड डिटेक्टर क्या है, कैसा डिटेक्टर है जिसमें गैस फील्ड किया जा सके। और ये जो है आयोनाइजेशन चैम्बर वो एक तरह से गैस फील्ड डिटेक्टर का ही एक पार्ट है, समझ में आई बात, ठीक है। तो नोट्स को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप मिलाते जाइए और इधर पढ़ते जाइए, हम जो समझा रहे हैं उसको ध्यान से देखते जाइए। धन्यवाद, आज के लिए हम यहीं पर।